ऐसा क्या हो गया था जो बात मारपीट तक पहुंच गई? सारे गांव ने तमाशा देखा। अब इसमें मेरा क्या दोष है? ये सारा हंगामा शंकर भैया ने शुरू किया। ये जब घर की जमीन है ना, ये खानदानी है, खानदानी। लेकिन भैया कहने लगे कि ये जमीन मेरी है। जब बाबूजी जिंदा थे तब उन्होंने बंटवारा नहीं किया था? बाबूजी मरते वक्त भैया को सब समझा गए थे, लेकिन न जाने भैया के मन में अभी क्या है। देखो शंकर भैया भी तो अपने ही है, अपना ही खून है। फिर वो तुमसे उम्र में बड़े भी है, अगर वो तुम पर हाथ भी उठा देते तो कुछ नहीं होता। लेकिन इस तरह सबके सामने उन पर सीना तान कर जाना तुमने अच्छा नहीं किया। ये क्या कह रही है तुम? अरे झगड़ा बिला वजह उन्होंने शुरू किया। बिला वजह कैसे कह रहे हो तुम? उनकी मानसिक स्थिति का तुम्हें पता नहीं है। अगर उस वक्त वो कुछ कह रहे थे तो चुपचाप कर चले आते, मौका देखकर फिर कभी बात नहीं कर सकते थे क्या? हाँ कर तो सकता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटे भाई होकर भी सब गांव वालों के सामने तुमने अपने बड़े भाई का अपमान किया है। अरे वैसे ही बहुत दुखी है बेचारे, जब से उनकी बीवी और बच्चे नदी में डूबकर मरे हैं, उनका मानसिक संतुलन खो गया है। सच कह रही है तुम, लगता है बड़ी ज्यादती कर गया हूँ मैं भैया से। मैं तो कहती हूँ जाकर माफी मांग लो उनसे, बड़ा हृदय है उनका, माफी दे के गले से लगा लेंगे वो। हाँ तो बड़े, और फिर भैया ने मुझे कभी भाई की तरह नहीं, हमेशा बाप की तरह प्यार दिया। न जाने मेरे ऊपर कौन सा भूत सवार हो गया था जो मैं भैया को गुस्से में इतना कुछ कह बैठा। मैं भी जाके भैया से माफी मांगता हूँ। अब इतनी भी क्या जल्दी है, सवेरे चले जाना। नहीं सुभद्रा, अब तो जब तक मैं भैया से माफी नहीं मांग लेता मुझे चैन नहीं पड़ेगा, मुझे रात को नींद नहीं आएगी। मैं भी जाके आता हूँ।